ऐसे कैसे हो तुम? पहले मुझसे प्यार किया, फिर शादी का वादा किया, फिर उड़नछू हो गए अचानक 9-2-11। मिस यू यार। ए, कहाँ सेटअप की तुम? देख रहे हो ना प्रभास, दिखाता तो ऐसे है जैसे खुद एक बेबी है, लेकिन पूरे शहर की बेबीज इसके पीछे पड़ी है। क्या है, मैंने किस किया था तो इतना भड़क गए? क्या? या इसलिए नाराज हो कि सिर्फ एक ही किस किया? तुम मुझे चाहे कितना भी सता लो, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। बाबू, जहाँ मिला करते थे वहीं शाम को मिलते हैं। बाय। देखा ना, ये बाहर से राम बनने का नाटक करता है लेकिन है बिल्कुल कृष्ण, और तुम लोग सब मेरे अंदर ही कमी देखते हो। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हम चंदू के बारे में जानते हैं। उस लड़की को चंदू को लेकर कोई गलतफहमी हुई होगी। Oh my God, it's so good! तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो कोई भी डायरेक्टर तुम्हें हीरोइन बना देगा। कहाँ सेटअप की तुम? बेचारा, एक्टिंग के चक्कर में मैंने उसे परेशान कर दिया। मैं जाकर उसे सॉरी कह कर आती हूँ। आई जस्ट बी बैक। बहुत बुरा लगा होगा ना उसे। ए, रुको रुको, सॉरी फिर कभी कह देना। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हमें क्लिप सबमिट करना है। चलो। कौवों के चिल्लाने से पहले अपने दामाद को आओ आओ करके घर में बांध लीजिए। गिरी, जा देकर आप ही जाओ ना डैडी, कहीं गर्म पानी मुंह पे फेंक दिया तो। सर, लेट मत कीजिए, उन्हें आए हुए आधा घंटा हो चुका है, पंक्चुअलिटी पे लेक्चर ना दे दें। आज मार्ट में क्या हो रहा था? वर्क हो रहा था। वर्क हुआ या फिर वर्कआउट हुआ? ये क्या उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं आप? उस लड़की से क्या बात कर रहे थे? क्या कहा, लड़की? सुबह मार्ट में उस लड़की का काजोल की तरह दौड़ते हुए आना और आपका शाहरुख खान की तरह स्टाइल से रोमांटिक बनकर खड़े रहना। मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कौन थी, अचानक आई और अचानक चली गई। कहाँ रहती ये भी नहीं जानता मैं, दोबारा जिंदगी में दिखाई देगी कि नहीं ये भी नहीं पता, और उस लड़की के बारे में आप मुझसे इतने सवाल। मिल गए आप एट लास्ट, थैंक गॉड। हाँ मैं समझ गया समझ गया, अब आप दोनों के बीच में मैं क्यों खड़ा हूँ? आखिर तुम हो कौन? आई एम सॉरी चंदू जी। मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? इससे पहले सॉरी कहने के लिए मार्ट पर गई थी तो उन्होंने मुझे आपकी डिटेल्स दिए। अमिंदु, उसे देख रहे हो ना कृष्णाचारी जी, कैसे हाथ मिला रही है? ये तो कुछ भी नहीं है, मार्ट में तो पप्पियां दे रही थी। हाँ, एक्चुअली मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सो ऑडिशन के लिए मुझे एक वीडियो बनाना था जिसे एक फिल्म डायरेक्टर देखने वाला है, बस इसीलिए मार्ट में आपके साथ एक्टिंग की। मेरी एक फ्रेंड ने वो सब शूट करके डायरेक्टर को भेज दिया, आपकी परमिशन के बिना आपको परेशानी दी, इसलिए I'm so 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 sorry. It's okay. मतलब आपको मुझसे कोई नाराजगी नहीं है? कहीं आपने मुझे misunderstand तो नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें misunderstand बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे misunderstand किया। I'm sorry चंदू जी। जाकर मेरे घर वालों को सॉरी बोलो। वो मैडम यहाँ आकर क्या कहेगी आपको पता है? चंदू जी कौन है मैं नहीं जानती। वो बहुत अच्छे इंसान है, ये सब एक्टिंग थी, आप मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, ऐसा बोलेगी। हाय, हेलो। हेलो। चंदू जी के साथ मेरी कोई पहचान नहीं है, आज उनसे पहली बार मिली हूँ, वो सब एक्टिंग थी, आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड मत करना, थैंक यू। ओके। जय गुरुजी। उस लड़की के बारे में तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपके दामाद और उस लड़की के लिप्स पढ़े हैं मैंने। मैं आपको भविष्य की कहानी भी बता सकता हूँ, दैट इज कृष्णाचारी। लेकिन उस लड़की का वास्तु देखने के बाद उसके घर का वास्तु ठीक नहीं लग रहा। दाल तो अच्छी है। कौन हो तुम लोग और तुम अंदर कैसे आए? डोर नॉक करने वाले होते हैं जेंटलमैन, जबरदस्ती आने वाले होते हैं बैटमैन। वी आर बैटमैन। तुम चाहते क्या हो? तेरा भाई। आई डोंट नो, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। झूठ, हमें पता है तेरा भाई तुझे कांटेक्ट करता है, इसलिए हम तेरे कांटेक्ट में आए। भाई का पता जब तक नहीं बताएगी हम नहीं छोड़ेंगे। सच में मुझे नहीं पता। अगली बार जवाब नहीं बदला तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। सच छुपाकर अपनी प्यारी सी लाइफ को रिस्क में मत डालो, याद रखना। वी आर वेरी 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 बैटमैन। बाय।
दादाजी 10 खतरनाक जानवरों के नाम बताओ। 5 बब्बर शेर, 4 भालू और तुम्हारा फूफा। आपको तो कुछ नहीं आता, जाओ। दामाद जी कॉफी। तुम्हारे ससुर जी रात भर एक ही बात के पीछे पड़े रहे। हाँ? कोई लड़की आपके करीब आने की कोशिश कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। वो लड़की अचानक मार्ट पर आ गई और अचानक कॉफी शॉप में भी टकरा गई। हाँ, और अचानक हमारी कॉलोनी में भी आ जाएगी। ए भानु, यही घर है। स्टॉप स्टॉप। चंदू जी। हाय। अब देखना, वो लड़की हमारे दामाद जी के पास आकर कहेगी, हाय चंदू जी, आप यहाँ कैसे? और हमारे दामाद जी कहेंगे, दरअसल ये मेरा ही घर है। लड़की शॉक होके बोलेगी, अनजाने में मैं आपके घर के सामने शिफ्ट हो रही हूँ, इट्स रियली शॉकिंग है ना जी, ऐसा कहेगी। और हमारे दामाद जी जैसे कुछ जानते ही ना हो हमारी तरफ ऐसे देखेंगे, चंदू जी आप यहाँ कैसे? यही हमारा घर है। अनजाने में मैं बिल्कुल आपके घर के सामने ही शिफ्ट हो रही हूँ, इट्स रियली शॉकिंग है ना जी। I'll just come. I'll just shift my stuff and come. Okay? Bye. ए उतारो उसे। चंदू जी भी यही रहते हैं, यही पे। हाँ। कॉलोनी में कोई नया रहने आया है क्या? हाय इंदू। हाय आंटी। हमारे घर की वास्तु बहुत शुभ है, तुम जरूर हीरोइन बन जाओ। तूने देखा ना प्रभास, चंदू ने क्या किया, डायरेक्ट कॉलोनी में ही ले आया इसे। इस कॉलोनी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू आंटी। तुम खुद ही हो हेमा पट्टनायक, किसी को भी लाकर कॉलोनी में रख लोगे, ऐसा नहीं चलने वाला है। कहने वाला तू कौन होता है? इस कॉलोनी में मेरी दीदी प्रेसिडेंट है। इन्हीं का जजमेंट चलेगा। बस तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा। अगर तुम्हारी पत्नी पक्ष में है तो हम विपक्ष में हैं। प्रेसिडेंटल हक हमें भी तो है। शक्ल देखी है अपनी, कॉलोनी की प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कह रही हूँ ये लड़की यही रहेगी। ये सिनेमा वाले जहाँ जाते हैं परेशानी होती है, इनका प्रेजेंस होना ही नॉनसेंस है। मुंह पर रंग पोत कर लोगों को धोखा देने वालों को कैसा रिस्पेक्ट? शट अप। फिल्म वाले तो सिर्फ अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अपने दिलों पर भी रंग लगाकर घूमते हैं। फिल्म क्या होती है पता है तुम्हें? सारी नदियां जैसे समंदर में मिलती हैं, वैसे ही नवरस कलाएं फिल्मों में मिल जाती हैं। और इसी फिल्म इंडस्ट्री के न जाने कितने ही महान कलाकारों ने हमारे देश की दशा और दिशा बदल कर दिलों में जगह बनाई और सही राह दिखाई। ग्रंथों को सही तरह समझना हो, इतिहास को झांक कर देखना हो, या इतिहास को फिर से रचना हो, तो फिल्मों द्वारा ही मुमकिन है। जहाँ जाति धर्म भेदभाव को भूलकर लोग मिलकर काम करते हैं, वो एक इंडस्ट्री है और वो है फिल्म इंडस्ट्री। देख रही हो, उस लड़की को घर दिलाने के लिए दामाद जी कितना सीरियसली सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चंदू ने 100% ठीक कहा है, उस लड़की को इसी कॉलोनी में रहने दो। सामान उतारो। हाँ उतारो। यही उतारो। थैंक यू चंदू जी, थैंक यू सो मच। सुन बेटी, तेरे पति की वजह से वो लड़की हमारे घर के सामने रहेगी, तुम वहाँ रहोगी और यहाँ तुम्हारी माँ और मैं उसकी सेकंड फैमिली की संतानों को खिलाएंगे। अर्जेंटली यहाँ आओ। सामने हुए तो क्या हुआ डैडी, वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं, कोई भी औरत उन्हें डाइवर्ट नहीं कर सकती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात फोन रखिए डैडी। क्यों जी, आप अपने शक की वजह से छोटी सी बात को बड़ी कर रहे हैं। बेटी, डायरेक्ट लड़की को कॉलोनी में ही लाकर रखवा दिया उसने यार। मैं सब समझ गया। क्या समझे? रोमांस की कोई सीमा नहीं होती, मजा ही मजा होता। हाय चंदू जी। हाय। तुम्हारा ऑडिशन कहाँ तक पहुँचा? कल फाइनल डांस ऑडिशन है। ओह, ऑल द बेस्ट। आपने विश किया, मतलब अब तो मैं सेलेक्ट हो ही गई समझो। वो कैसे? आपसे पहली बार मैं मार्च में मिली, ऑडिशन के लिए बनाए वीडियो को एंट्री मिल गई। सेकंड टाइम कॉफी शॉप में मैं आपसे मिली थी और वहाँ टूलेट बोर्ड देखकर आपकी कॉलोनी में एंटर कर गई। थर्ड टाइम आपके घर के पास मिली तो फाइनल्स में सिलेक्ट हो गई। यू माय लकी चार्म। ए, तू एड्रेस बदल देगी तो क्या हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? तेरे भाई का कुछ पता चला? नहीं पता चला, वो इस वक्त कहाँ है मैं नहीं जानती हूँ। आई स्वेयर। ए प्रभास, एक आइडिया आया है। इस लड़की की वजह से उस दिन हम लोग कॉलोनी में बदनाम हुए थे, अब इस सिचुएशन का फायदा उठाकर हम लोग इज्जत कमा लेंगे। सुपर आइडिया है। तुझसे इज्जत से पूछ रहे तो तू हमें मजाक समझ रही है? इन सर्च ऑफ गॉड, ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि हम जैसे शैतान न मिले, क्या जाने शैतान क्या कर जाए। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या? तू कौन है? ओ, इसका बॉयफ्रेंड है क्या? इसका भाई हमारे पैसे नहीं लौटा पाया इसलिए भाग गया। In search of brother, तू मुझे जेंटलमैन लगता है। तू मेरा फोन नंबर रख और अपनी गर्लफ्रेंड को अपने तरीके से समझा, अगर नहीं समझी तो तू भी इसे नहीं बचा पाएगा। ए, तुझे एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, समझा दे इसे। देख क्या रहा है, आंख नीचे कर, नीचे। ए!
बयान नीचे कर बे। ए, तू कौन है बे साला? साला नहीं सबका रखवाला। कॉलोनी को कुछ हुआ तो मैं हूँ इनका सहारा, लेडीज को कुछ हुआ तो किसी को भी मैं नहीं छोड़ता। श्री हरि कोटा का ताप है मुझ में, इस कॉलोनी का हथियार हूँ मैं। तू निकल यहाँ से बे। तूने मुझे मारा, तुझे, उसे, इसे और ये जो अंधे भाई साहब है ना, मैं सबको, सभी को गोद लूंगी। क्या गोद ले लूं? इतना बड़ा दयालु नहीं हूं मैं, घातक हूं मैं, काट कर रख दूंगा सबको। भाई लगता है ये कोई पागल है, छोड़ दो। अरे जाओ जाओ, क्या शरीफों से पंगा लेते हो? इस कॉलोनी का रखवाला मैं हूँ, जिस दिन मुझसे पंगा लोगे उसी दिन तुम्हारी मौत की खबर अखबार में आएगी।